Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Kal humne ayat number 75 तक का तर्जुमा और तफसीर बयान किया था और आज हम आयत नंबर 76 से 90 तक का तर्जुमा और तफसीर आज बयान करेंगे। गुज़िश्ता आयात मुबारका में ये मौजू चल रहा था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रखना चाहते थे। अल्लाह जल्ला शानहु ने उनको ये तदबीर बतलाई जिसका पीछे ज़िक्र हुआ कि उन्होंने अपने करिंदों को अहलकारों को हुक्म दिया कि वो यूसुफ़ वो बिन्यामीन के थैले में और उनकी बोरी में वो प्याला रख दें जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़ास प्याला था। और जब काफ़िले वाले वो सामान लेकर रवाना हो गए तो पीछे से किसी पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफ़िले वालों, हमारी एक चीज़ गुम हो चुकी है, लगता है कि तुम चोरी करके जा रहे हो। उन्होंने पूछा क्या चीज़ गुम हो चुकी है, उन्होंने कहा कि बादशाह का प्याला, चांदी का प्याला गुम हो चुका है। तो उन्होंने कहा जो भी आवाज़ देने वाले ने वो लेकर आएगा उसको इनाम मिलेगा, एक शुतर बार यानी ऊँट का गल्ला मिलेगा जो ऊँट उठा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिस शख्स के बोरी से या थैले से वो प्याला बरामद हो गया उसकी आपके मुल्क के कानून के मुताबिक क्या सज़ा है, चोर के चोर अगर पकड़ा जाए उससे चोरी साबित हो जाए तो आपके मुल्क में आपके कानून के मुताबिक उसकी क्या सज़ा है। तो इन्होंने ख़ुद कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कि हमारे इलाके में उसकी सज़ा ये है कि जिसकी चोरी की हो उस चोर को उसके हवाले कर दिया जाता है और उसको ग़ुलाम बना लेता है। ये कानून मिस्र के अंदर मौजूद नहीं था, ये कानून मिस्र के अंदर मौजूद नहीं था। मिस्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा था कि जिससे चोरी जिस पर चोरी का जुर्म साबित हो जाए उसको जेल में भेज दें, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाई को अपने पास रखना चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये तदबीर बतलाई, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज अब वो तलाशी शुरू हो गई उनका जो सामान था उसकी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फबदअ, बस शुरू किया बिऔयतिहिम, औया व्या की जमा है, उन उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के या बिन्यामीन के भाइयों की बोरियों से की तलाशी लेना शुरू की। यानी पहले नंबर पर उनकी बोरी की तलाशी नहीं ली, बाकी भाई जो थे, मैंने अर्ज़ किया था कि 11 लोग थे, 11 भाई थे, तो बाकी लोगों का जो गल्ला है उसकी तलाशी लेना शुरू की। तो ये माना है फबदा बेअयतहिम, बस शुरू की उन्होंने तलाशी लेनी बेअयतहिम उनकी बोरियों की या उनके गल्ले की, कबला व्याकी उनके भाई के बर्तन से पहले या उनके भाई की बोरी से पहले, यानी बिन्यामीन की बोरी को चेक करने से पहले बाकी लोगों की बोरी, ताकि ये शुबा ना हो। बाद में जब ये बात सामने आए तो कहें कि इन्होंने खुद ही रखा था इसलिए फौरन निकाल लिया। ये हिकमत अपनाई गई कि पहले दूसरों की बोरियां चेक की गई, सुम मस्तखराजहा, जब सारे लोग जो थे उनकी बोरियाँ चेक हो गई, तुम फिर उसके बाद इस्तखराजहा निकाल लिया उसको, इसको सवाल मलिक को, बादशाह के उस प्याले को, मिम व्या यकी ही अपने भाई की बोरी से, यानी ये काम यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके हुक्म के साथ हो रहा था इसलिए उनकी तरफ इसकी निस्बत हुई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यानी बिन्यामीन की बोरी से वो सामान निकल लिया। यहाँ भाई तो बाकी भी थे, भाई तो बाकी भी थे, लेकिन यहाँ जो इस बात का जिक्र किया गया कि उनके भाई की बोरी से, तो बाकी सुतीले भाई थे, बिन्यामीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। और हम पहले ये बयान कर चुके हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थीं,
और दो लौंडियाँ थी। बड़ी बीवी का नाम लैया बेगम था और उससे भी औलाद थी, और दो लौंडियाँ थीं उनके उससे भी औलाद थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम था राहिल, राहिल। इससे राहिल बेगम से ये दोनों भाई थे। और ये हम पहले बयान कर चुके हैं कि जब बिन्यामीन पैदा हुए उस वक्त इनकी वालदा की वफ़ात हो गई थी, इनकी वालदा, इसीलिए बिन्यामीन का नाम बिन्यामीन रखा गया कि उनकी वालदा उनकी विलादत के वक्त फौत हो गई थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा फौत हो चुकी थी। अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाते हैं इसलिए मिन व्याय अखी, यानी उनके हकीकी भाई बिन्यामीन की बोरी से वो प्याला बरामद कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये तदबीर किसी को ताकि कोई बात करने की गुंजाइश ना रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कदा लिखा, इसी तरह किदना हमने तदबीर की ले यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तदबीर हमने बतलाई, ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पास रहेगा। मा काना लिया खुजा खाहू, नहीं मुमकिन था कि वो पकड़ लें अपने भाई को, फी दीन अल मलिक, बादशाह के कानून के मुताबिक, यानी शाह मिस्र के कानून के मुताबिक भाई को इस तरह अपने पास रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने भाइयों से ये कहलवाया, उनकी ज़ुबान से कहलवाया कि आपके मुल्क में, आपकी शरीयत में, आपके दीन में जो आदमी चोरी कर ले उसकी क्या सज़ा है। तो जब उन्होंने खुद इस बात का इकरार कर लिया था कि हमारे यहाँ जो शख्स चोरी कर लेता है तो जिसकी उसने चोरी की हो उसके हवाले कर दिया जाता है, उसको वो उसको ग़ुलाम बना लेता है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये तदबीर हमने बतलाई, इसलिए उनके साथ मामला किनान के कानून के मुताबिक किया गया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक किया गया, मिस्र के कानून के मुताबिक नहीं किया गया, हालांकि ये बात मिस्र में हुई थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा काना, नहीं मुमकिन था लिया खुजा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पकड़ लें अखा हो, यानी अपने पास रख लें अपने भाई को, फी दीन अल मलिक, बादशाह के शाह मिस्र के कानून के मुताबिक, दीन से मुराद यहाँ कानून है, इल्ला अय्यशा अल्लाह, इल्ला कि अल्लाह ताला चाहे, नरफा दरजात मन नशा, अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं हम जिसके चाहते हैं दरजात बुलंद करते हैं, वह फौक कुल ज़ी इल्म अलीम, और हर इल्म जानने वाले से ऊपर भी इल्म जानने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इल्म में तफावत रखा है, इल्म में ये दरजात रखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अल्लामुल गुयूब है, अल्लाह ताला तो कुल्ली इल्म का मालिक है, अल्लाह ने जो बंदों को इल्म दिए हैं तो उनमें से इल्म के अंदर तफावत है, और हर इल्म जानने वाले से ऊपर भी इल्म जानने वाला है। उसके बाद अब जब वो प्याला निकल आया बिन्यामीन की उस बोरी से, उस थैले से, तो उन्होंने कहा हाँ जी अब तो चोरी पकड़ी गई, अब तो आपका ये भाई, ये साथी भाई जो है आपका, इसने चोरी की है, अब तो इसको हम पकड़ेंगे अपने पास रखेंगे आपके कानून के मुताबिक, आपने कहा है कि उसको जिसकी चोरी की उसके हवाले कर दिया जाता है। ये भाई, इनका तर्ज अमल देखिए कि जब ये बात साबित हो गई कि वहाँ से वो प्याला उनके थैले से बरामद हो गया, तो कहने लगे कालू इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है बिन्यामीन ने तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, अगर इसने चोरी कर ली है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इन यसरिक, अगर इसने चोरी की है, फ़कद सरक अखुन लहू मिन क़ब्ल, इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहते हैं कि इसने चोरी कर ली है तो कोई नहीं है ऐसी बात, इसका भाई उसने भी चोरी की थी। देखिए तर्जमा द्वारा, कालू इन यसरिक फ़कद सरक अखुन लहू मिन क़ब्ल, अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। ये चोरी क्या थी, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारी दास्तानें बयान की हैं, लेकिन ये उनका यानी मुआनिदाना रवैया था, उनके दिल में जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई के बारे में हसद था ये उसकी बुनियाद पर था। वगरना बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी के पास रहने के लिए गए थे उनकी वालदा की वफात के बाद, तो याकूब अलैहिस्सलाम जब उनको लेने के लिए गए तो वो वाप इनको साथ नहीं भेजना चाहती थी, तो उस कानून के मुताबिक उनको पता था कि जिसकी चोरी करे वो उसको अपने पास रख लेता है, तो उन्होंने अपना दुपट्टा यूसुफ अलैहिस्सलाम की
कमीज के नीचे कमर बंद के साथ बांध दिया, ऊपर से कमीज पहना दी। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम उनको लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा दुपट्टा बड़ा कीमती था, गुम हो गया, तलाशी लो यूसुफ की। तो यूसुफ बांधा तो खुद था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे उन, तो उन्होंने कहा कि दुपट्टा तो इससे बरामद हो गया, अब ये नहीं जा सकता, ये मेरे पास ही रहेगा। ये उन्होंने अपने पास रखने की, लेकिन ये रवायत जो है आम लिखते हैं मुफस्सरीन, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है और इसकी कोई सनद नहीं है। ये उन्होंने सिर्फ एक इल्ज़ामी तौर पर कि भाई बिन्यामीन के सामान से तो वो निकल ही आया था, तो उन्होंने कहा कि इसने अगर चोरी कर लिया तो इसका बड़ा भाई भी ऐसा ही था, वो भी उसने भी चोरी की थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कितना हौसला होता है अंबिया अलैहिस्सलाम का। फअसर रहा यूसुफ फी नफ्सिही, बस छुपा लिया इस बात को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में, यानी इसका कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। असर रहा, छुपाया इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फी नफ्सिही अपने दिल में, वलम युब्दिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उनके लिए, यानी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो। यानी ऐस मौके पे था, इस मौके पे था, तवक्को ये थी जिस तरह आम होता है कि आदमी बाकी तो सब कुछ सुन लेता है लेकिन जब अपने पर बात आती है फिर खामोश नहीं रह पाता, फिर खामोश नहीं रह पाता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कब हुआ था? अगर ये कह देते तो वो पहचान लेते कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन अल्लाह को अभी मंजूर नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। काला, और कहा, अंतुम शर्रुम मकाना, तुम बहुत ही बुरे हो, अंतुम तुम शर्रुम बहुत ही बहुत बुरे हो, मकानन मकान और जगह के एतबार से, यानी तुम बहुत ही बुरे हो। इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है, और ये बात भी तरकीब कलाम से वाज़ह होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में कही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में कही थी कि तुम बहुत बुरे हो, क्योंकि अगर वो कह देते तो इसका वो रद्द अमल करते या उनका सोचने का अंदाज़ और होता, इसलिए उन्होंने अपने दिल में ये बात कही कि तुम बहुत बुरे हो। वल्लाहु आलम, और अल्लाह ताला खूब जानता है, बिमा तसिफून, जो कुछ तुम बयान कर रहे हो, यानी जो तुम बयान कर रहे हो अल्लाह ताला इसको खूब जानता है। अब जब बिन्यामीन को उन्होंने कहा जी अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया है और इसके सामान से हमारा चोरीशुदा माल बरामद हुआ है, बादशाह का प्याला बरामद हुआ है, अब तो इसको हम अपने पास रखेंगे, इसको आप हमारे हवाले करें, ये नहीं जा सकता आपके साथ। उन्होंने कहा आगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत समाजित करने लगे, उनको नहीं पता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र, यानी वो समझ रहे हैं। कालू, या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़ मिस्र, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरा, इसका बाप, यानी बाप तो उनका भी था लेकिन ये कहा कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है, इस एतबार से ताकि अज़ीज़ मिस्र को उस पर रहम आ जाए, तरस आ जाए कि इसका बाप जिसको आप रोक रहे हैं, इसका बाप शेखन कबीरा बहुत बूढ़ा है। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये शेख की उम्र जो है ये 60 साल से ऊपर जिसकी उम्र होती है उसे कहा जाता है शेखन कबीरा, तो इसका बाप बहुत बूढ़ा है, लिहाजा इसको अपने पास न रखिए, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। फखुज अहदाना मकाना हो, बस पकड़ लीजिए हम में से किसी एक को इसकी जगह, बस पकड़ लीजिए हम में से किसी एक को इसकी जगह, हम कुर्बानी देते हैं, हम में से जिसको चाहे पकड़ लीजिए इसकी जगह पर, लेकिन इनको ना रोकिए। क्यों? कि अपने वालिद गिरामी के साथ वादा करके आए थे कि हम ज़रूर वापस लेकर आएंगे, और अब दो बार हो चुका था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वादा किया कि हम इनकी हिफाजत करेंगे और लेकर आएंगे, लेकिन नहीं लेकर आए, और अब बिन्यामीन के साथ भी ऐसा किया, तो इसलिए वो मिन्नत समाजत करने लगे और साथ कहने लगे, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको एहसान करने वालों में से पाते हैं, आपने पहले भी हम पर बड़े एहसान किए हैं, फिर उनकी नेकियां भी उनको जितलाईं कि आपने हमें गल्ला भी दिया और फिर हमारा जो गल्ले के लिए हम माल असबाब लाए थे वो भी वापस किए, आपने बड़ी अच्छी हमारी मेहमान नवाजी भी की, उन तो आप बड़े एहसान करने वाले हैं, नेकी करने वाले हैं, लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमें से किसी एक को इसकी जगह पर पकड़ लीजिए, अपने पास रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, काला महाज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है
कि करे कोई और भरे कोई, ये नहीं हो सकता। हमारी तो जिसने चोरी की है हम तो उसी को रखेंगे अपने पास। काला महाद अल्लाह, उन्होंने फरमाया अल्लाह की पना अन्ना खुजा कि हम पकड़ें, इल्ला मगर उसको मम वजदना मचा अना आइंदा हो कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है हम तो उसी को पकड़ेंगे। इन्ना इज़ल्ला ज़ालिमून, अगर हम आप में से किसी को पकड़ लें और उसको छोड़ दें जिस जो मुजरम है हमारा, तो फिर तो हम ज्यादती करने वाले, ये तो जुल्म है कि जो जुर्म कोई करता है पकड़ किसी को लिया जाता है, तो ये तो सरीहन जुल्म है, हम ऐसे नहीं कर सकते। अब उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, हर तरह से उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं माने, क्योंकि उनकी तो मंशा थी भाई को अपने पास रखना। तो फलम मस्तयअसु, बस जब वो मायूस हो गए यानी अपने इस कार्रवाई से या यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायल करने से मायूस हो गए, खलासु नजीयन, खलासु अलहदा हो गए यानी लोगों से अलग थलग हो गए, नजीयन मशवरा करने के लिए, खलासु नजीयन तनहा हो गए, अलहदा हो गए आपस में मशवरा करने के लिए। नजी कहते हैं सरगोशियाँ, यानी कोई खसूसी मीटिंग की जाए जिसका आम लोगों को पता ना चले, तो वो अलहदा हो गए। काला कबीरों, उनके बड़े उनमें से जो बड़ा भाई था उसने कहा, ये बड़ा भाई कौन था इसके बारे में ज़्यादातर मुफस्सरीन का ख्याल है कि इसका नाम यहूदा था, और बाज़ ने कहा कि ये रूबीन था, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सरीन ये लिखते हैं कि उनके बड़े भाई का नाम यहूदा था, और उस वही वो शख्स था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की मुखालफत की थी। तो उसने कहा, काला कबीरों, उनके बड़े भाई ने कहा, अलम तालम, भई तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें मालूम नहीं, अन्ना अबाकुम, बेशक तुम्हारे बाप ने, कद अखज़ अलैकुम मौफ़िकम मिन अल्लाह, तुम्हारे साथ वादा लिया है अल्लाह ताला को सामने रख कर, तुम्हारे साथ निसाब किया है, वमिन कबलु, और तुमने क्या किया, वमिन को कबलु, इससे पहले, मा फर्रत तुम, जो कोताही कर चुके हो तुम, फी यूसुफ़ा, यूसुफ के बारे में, यानी तुम्हारे बाप ने वादा किया था और अल्लाह ताला को वकील बनाया था कि तुम ज़रूर वापस लेकर आओगे, अब बिन्यामीन को छोड़कर जा रहे हो, इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम बड़ी कुताही कर चुके हो, अपने बाप के साथ वादा खिलाफ कर चुके हो। तो उसने कहा कि मेरा तो सीधा सीधा फैसला है, फलन फलन अब्रहल अर्दा हत्ता यअज़न ली अबी, मैं हरगज़ नहीं छोड़ूंगा इस ज़मीन को, मैं हरगज़ नहीं यहाँ से जाऊँगा, लन अब्रह का माना हरगज़ नहीं यहाँ से हटूँगा या यहाँ से जाऊँगा, अल अर्दा अर्ज़ मिस्र को, मैं यहाँ से हरगज़ नहीं जाऊँगा, हत्ता हत्ता के, दो सूरतें हैं, या अज़ान अली अभी, मेरे वालिद ग्रामी मुझे वहाँ आने की वापस आने की इजाज़त दें, वो ख़ुद पैगाम भेजें कि आ जाओ घर तो फिर जाऊँगा, औ यहकुम अल्लाह ली, या फिर अल्लाह ताला मेरे बारे में कोई फ़ैसला कर दे कि अल्लाह मेरी मौत आ जाए, या कोई अल्लाह मेरे बारे में फ़ैसला कर दे, या मेरे वालिद ग्रामी ख़ुद मुझे बुलवा लें, वरना अब मैं कौन सा मुँह ले जाकर दिखाऊँ अपने बाप को, मैंने ही आगे बढ़कर उनके साथ माहदे किए और आपके कहने पर आपको साथ लेकर, लिहाजा मैं अब वापस नहीं जाऊँगा। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाला है। इरजिऊ, तुम सारे के सारे पलट जाओ। अब कितने भाई रह गए? नौ। यानी बिन्यामीन भी यहाँ रह गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले यहाँ मौजूद हैं, और बड़ा भाई वो भी यहाँ पर रुक गए। तो अब ये काफ़िले के साथ ये नौ लोग, इनको रवाना किया और बड़े भाई ने कहा, इरजिऊ इला अबीकुम, वापस पलट जाओ अपने वालिद गिरामी की तरफ, फकूलू, और जाकर कोई लगी लपटी नहीं रखना, सीधी सीधी बात कर देना। क्या कहना? फकूलू या अबाना, जाकर कहो ए अब्बा जान, इन नबना का सरक, यहाँ उन्होंने अपना भाई नहीं कहा, यहाँ भी अपना भाई नहीं कहा, कहा कि आपके बेटे ने चोरी की, आपके बेटे ने चोरी की थी, वमा शहीदना, और हम नहीं गवाही देते, इल्ला बिमा अलिमना, मगर उसी बात की जो हम जानते हैं, हम वही कुछ आपके सामने बयान कर रहे हैं जो हमें जानते हैं कि हमारे सामने उसके सामान से उनका उसके थैले से उनका सामान निकला था। वमा कुन्ना लिल गैब हाफिज़ीन, हम गैब में तो हिफाजत करने वाले नहीं हैं,
ظاہری طور پر تو ہم اس کی حفاظت کرتے رہے, لیکن اس کے دل میں کیا ہے, وہ چوری چھپے کیا کرتا رہا, اس کے تو ہم گارنٹی نہیں, اس کے ہم محافظ نہیں ہیں اور اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ساتھ کہنے لگے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے, اگر ہماری بات پر اعتبار نہیں آپ کو, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا, وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں, وَالْعِيرَ قافلہ, اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے, الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, جس میں ہم آئے ہیں, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچ بول رہے ہیں, بے شک ہم سچ بول رہے ہیں, ہم آپ صحیح صحیح بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اب جب ان کی یہ بات سنی تو یہ تو حقیقت ہے کہ جو ایک دفعہ جو شخص اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے, اعتبار گنوا بیٹھتا ہے, تو آئندہ اس کی بات پر جلدی اعتبار نہیں کیا جاتا, اس کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, وہی بات کہی سیم جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی, بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ تم نے اپنی طرف سے ہی بات بنا لی ہے, انفسکم اپنی طرف سے بات بنا لی ہے, اپنی طرف سے یہ کہانی گھڑ لی ہے. یہ کس بنیاد پر یعقوب علیہ السلام نے کہا؟ اس لیے کہ جس طرح کا یہ واقعہ بیان کر رہے تھے اس میں اس سے چوری ثابت نہیں ہوتی کہ کسی کے سامان سے کوئی چیز برآمد ہو جائے, تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بندہ چور ہے, کوئی دوسرا بھی رکھ سکتا ہے, شرارت بھی کر سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں, کسی کی گاڑی میں کسی کوئی چیز رکھ کر پھر شور ڈال دے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے, تو ایسے دنیا میں ہوتا ہے. تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے ایک تو یہ بات کہی, دوسرا یہ بھائی اپنا اعتماد پہلے کھو چکے تھے, پہلے بھی جھوٹ بول چکے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی. تو فرمایا, فصبر جمیل, بس میرا صبر ہی بہتر ہے, صبر ہی بہتر ہے. ساتھ انہوں نے یہ بات بھی, کیونکہ پہلی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کہانی تھی جو آپ نے گھڑی, یوسف کو بھی بھیڑیے نے نہیں کھایا, اور یہ بھی لگتا ہے کہ آپ نے داستان خود بنا لی ہے. اب ایسا اللہ ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاتینی کہ لائے گا میرے پاس, بہم ان سب کو, جمیعن سب کے سب, اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا. کتنے لوگوں کو؟ تین بیٹوں کو. اب تین بیٹے ان سے جدا ہو گئے, تین بیٹے جدا ہو گئے, بڑا بیٹا یوسف علیہ السلام اور بنیامین, اور اس بات پر وہ توقع رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اب پھر انہ ہو العلیم الحکیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے, وہ تول عنہ, اور پھر اپنے بیٹوں سے منہ دوسری طرف کر لیا, رخ پھیر لیا. وقال, اور کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف, یا اسفا, ہائے افسوس یوسف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو اس وقت تقریباً 21-22 برس ہو چکے تھے ان سے جدا ہوئے, اس وقت تو جو ابھی جدا ہوئے تھے وہ تو بنیامین تھے, یوسف علیہ السلام کو تو ہمیشہ یاد کرتے ہی رہتے تھے, لیکن اس موقع پر کہنا تو چاہیے تھا یا اسفا علی بنیامین, لیکن یہ نہیں کہا یا اسفا علی یوسف. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کے اندر کس قدر یعقوب علیہ السلام ان کو یاد کرتے تھے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے تھے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری وہ پنجابی میں, دور گیا تے وچھڑ گیا دی, دل تھی تانگ نہ جاندی, ہتھی آپ جنا دفنائیے, مکدی آس دنا دی. کہتے ہیں کہ جو خود بنیامین خود جدا اس وقت جدا ہوئے تھے, پتہ تھا کہ وہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا, لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا ابھی تک کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ان کی جو جدائی تھی اور ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ جو تھی اور ان کے ساتھ ایک تعلق قلبی ان کا جو تھا اس کی وجہ سے, اور پھر کہ ابھی تک ان کی خبر نہیں آ رہی تھی, اس لیے اس موقع پر بھی اپنے اسی غم و حزن کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ,
और सफ़ेद हो गई उनकी दोनों आँखें, यानी उनकी बिनाई सफ़ेद होगी। बिनाई जाती रही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिन अल हुज़्न, गम की वजह से, गम की वजह से। फहुआ कज़ीम, और वो गम को, कज़ीम का माना कि अंदर अंदर ही गम को पीना, वो गम को अंदर अंदर ही पिए जा रहे थे। फहुआ कज़ीम, वो गम को अपने अंदर ही पिए जा रहे थे। कालू, जब बेटों ने ये सूरत हाल देखी कि बिन्यामीन उधर रह गए हैं, बड़ा भाई रह गया है, उनका इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है, तो यूसुफ का अभी भी यूसुफ को याद करते हैं, पता नहीं वो किधर होगा, यूसुफ जिंदा भी होगा कि नहीं होगा, भाइयों को तो अभी यही था ना, तो उसी को याद करते, इनके बारे में नहीं पूछा। तो कहने लगे कालू, बेटों ने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, तफ्ताओ तज़कुरु यूसुफ, तफ्ताओ इसका माना हमेशा, आप हमेशा याद करते रहते हैं यूसुफ को, आप हमेशा याद करते रहते हैं यूसुफ को, हत्ता तकून हरदन, हत्ता कि आप इसमें अपने आप को पिघला लेंगे, हरदन माना कि गम की वजह से अपने आप को पिघला लेना, दुबला पतला कर लेना, हत्ता कि आप गम की वजह से अपने आप को पिघला लेंगे, औ तकून मिनल हालिकीन, या जान से हाथ धो बैठेंगे, औ तकून मिनल हालिकीन, या जान से ही हाथ धो बैठेंगे। इतना आप याद करते हैं यूसुफ को, कब की बात है, कितने साल हो गए, पता नहीं किस, वो कहाँ है, कहाँ है भी कि नहीं है। काला, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, बस और हुज़्न दोनों का माना परेशानी और गम है, बेशक मैं शिकायत करता हूँ अपने गम और हुज़्न की अल्लाह की तरफ, मैं किसी के सामने अपने गम और दुख का रोना नहीं रोता, मैं अपना गम और अपना दुख परेशानी अपने रब के सामने बयान करता हूँ। वह आलमू, और मैं जानता हूँ, मिनल्लाह ही, अल्लाह ताला की तरफ से, माला तालमून, जो तुम नहीं जानते। ये बात हो गई, उसके बाद फरमाने लगे कि बेटो, या बनिया इजहबु, जाओ। अब कितना अरसा गुजर गया, एक साल और गुजर गया, बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहते हुए साल हो गया, अगला साल फिर आ गया, दाने फिर ख़त्म हो गए, गल्ला फिर ख़त्म हो गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम बेटों को रवाना कर रहे हैं गल्ला लेने के लिए, और साथ उन्हें ये फरमा रहे हैं, उनको हुक्म दे रहे हैं, या बनिया, ऐ मेरे बेटो, इज़हबू, तुम जाओ, फतहस्सु मिन यूसुफ वाकी, बस तलाश करो, तहस्सुस का मन होता है टटोलना, यानी खूब अच्छी तरह तलाश करना, खूब मेहनत और कोशिश के साथ तलाश करो, मिन यूसुफ़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की वाकी है और उनके भाई की। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ फिर दो का जिक्र किया, तीसरे का फिर जिक्र नहीं, कि जाके यूसुफ को और उनके भाई को तलाश करो, ये वालिद गिरामी फरमा रहे हैं, तीसरे का जिक्र क्यों नहीं किया, वो भी तो बेटा था, तो इस उसका जिक्र इसलिए नहीं किया कि उनको, उसको किसी ने रोक नहीं रखा था, वो बिन्यामीन को छुड़वाने के लिए, उनको आज़ाद करवाने के लिए वहाँ रुके थे, और इनकी भी यही ड्यूटी थी, इसलिए वो जब चाहे वापस आ सकते थे, लेकिन बिन्यामीन वो गवर्नमेंट की तहवील में थे, इसलिए कहा कि वो दोनों तो तहवील में हैं, ये चूंकि तलाश करने वालों में से थे, इसलिए उनका नाम नहीं लिया, और कहा कि जाओ यूसुफ को और उनके भाई को तलाश करो। वला तयअसु मिन रूहिल्लाह, और ना मायूस हो, रूह कहते हैं रहमत को, और ना मायूस हो अल्लाह की रहमत से, इन्नहु बेशक, ला ये ऐसो मिर रूहिल्लाह, नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से, इल्लल कौमुल काफिरून, मगर काफिर लोग, यानी काफिर अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं, मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। अब ये भाई फिर चले गए, और फिर थोड़ा सा, थोड़ी सी पूंजी लेकर गए गल्ला लेने के लिए, तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो जाकर कहने लगे, फलम्मा दखलु अलैह, जब वो दाखिल हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, उनके पास गए, कालू, तो जाकर कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़, ए अज़ीज़े मिस्र, मस्साना व अहलना दुर, पहुँची है हमको भी और हमारे अहल को भी तंगी और मुसीबत, यानी फाके, हम भी और हमारे अहल भी फाकों का शिकार हैं, वजेना, और हम लाए हैं, बेबिदातिन मुज़जात, बिदा पूंजी और मुज़जात हकीर सी, और ये हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, हमारे पास यही है और हमारे पास कुछ है नहीं है, फ़ाउफ़िलनल कैल, लेकिन आपकी मेहरबानी, हमें
गल्ला पूरे का पूरा दीजिए, फाहू फिलना पस पूरे का पूरा दीजिए हमारे लिए, अलकेल नाप यानी हमें गल्ला पूरे का पूरा दीजिए, व तसद्दक अलैना ये पैसे अगरचे कम हैं लेकिन आप इसके साथ मजीद हम पर एहसान फरमा दीजिए, जितने ये पैसे हैं ये रख लीजिए, बाकी अपनी तरफ से मेहरबानी करके हमें व तसद्दक अलैना और अपनी तरफ से सदका कर दीजिए यानी एहसान कीजिए हम पर और गल्ला दीजिए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यजज़िल मुतसद्दिकीन सदका करने वालों को जज़ा देता है बदला देता है। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस वक्त अल्लाह को मंजूर था और अब ज़ब्त नहीं रख सके ज़्यादा, उनकी हालत देखकर उनकी मिन्नत समाजत देखकर फिर अपने ख़ानदान की कैफियत देखकर कि वो फाकों में हैं, गल्ला नहीं है उनके पास और इनके पास गल्ला ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, तो जब ये सूरत हाल देखी तो सामने खड़े हैं और उनकी खिदमत में दरख्वास्त पेश कर रहे हैं, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामने इस बात को जाहिर कर दिया, पूछा उनसे काला हल आलिम तुम क्या तुम्हें मालूम है मा फाल तुम बे यूसुफ वाकी तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया था। जो ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से ये कलमा निकला तो वो चौंक पड़े, भाई ये तो किसी को पता भी नहीं, हमारे बाप को पता भी नहीं पता, तो अजीज़े मिस्र को पैसे कैसे पता चल गया कि हमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया और बिन्यामीन के साथ हम क्या ज्यादती करते रहे, ये तो किसी को पता भी नहीं, और बिन्यामीन ने जो उनके साथ होता था वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारा बता दिया था। तो काला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया हल आलिम तुम क्या तुम्हें मालूम है मा फाल तुम बे यूसुफ जो किया था तुमने यूसुफ के साथ वाकई है और उनके भाई के साथ, साथ ये कहा कि उनको ज़्यादा नदामत भी ना हो इज अन तुम जाहिलूम जब तुम नादान थे ना वाकिफ थे जब तुम्हें पता नहीं था और तुमने अपनी नदानी और जहालत की बुनियाद पर यूसुफ के साथ और उनके भाई के साथ क्या सलूक किया था। अब फौरन मुतवज्जे हुए, पहले अभी तक जब आए थे नज़र उठा के देखते नहीं थे, गल्ला लेने के लिए आते थे, अजीज़े मिस्र के सामने नज़रें झुका कर खड़े थे और अच्छी तरह चेहरे को देखा भी नहीं, लेकिन अब नज़र उठाकर देखा तो कहने लगे कालू इन्ना कलान था यूसुफ आप ही तो यूसुफ नहीं। कालू उन्होंने कहा आ इन्ना का क्या आप लानता यूसुफ आप ही यूसुफ हैं। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर जाहिर कर दिया काला आना यूसुफ फरमाया मैं यूसुफ हूँ वहा जाखी और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कद मन्नल्लाहु अलैना अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि हम दोनों भाइयों को इकट्ठा कर दिया और मुझे अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत अता कर दी। ये नतीजा किस बात का है फरमाया इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह से डरता है और सब्र करता है फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अजर को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा गुनाहों से बचने और सब्र करने के नतीजे में आज हमें ये मरतबा अता किया कि मैं भी तख्त मिस्र पर बैठा हूँ मेरा भाई भी मेरे साथ बैठा है और ये अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता। उसके बाद इंशाल्लाह अगले दर्स में कि फिर इसके बाद भाइयों का रद्द अमल क्या था और क्या वाक़या पेश आया अगले दर्स में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी वेबसाइट पर है ये?